तो चतुर चीन भारत को हमेशा धोखा देने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन चीन की चाल को भांपते हुए भारत के दो योद्धाओं ने अरब सागर में ऐसा एक्शन दिखाया कि चीन की चतुराई धरी की धरी रह गई। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी और दिल चीन का बैठा जा रहा था। सागर के शैतान पर पहली नजर। इंडियन नेवी ने चीन को चौंकाया। भारत के योद्धाओं को देख डरा चीन। चीन के सीने पर सांप नहीं ड्रैगन लोट लगा रहा है, क्योंकि चीन ने समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ एक बड़ा रणनीतिक अभ्यास किया है। आपको बता दें कि पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाजों को अभ्यास में उतारा। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में जाता है तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज भी होते हैं। इस तरह से ये एक पूरा बेड़ा बन जाता है जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG कहते हैं। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास थी तो दूसरे को आईएनएस विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा के हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा व शक्ति को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रमादित्य के साथ पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात करके अरब सागर में अभ्यास किया। इस दौरान दोनों करियर्स के साथ सबमरीन और दूसरे जहाज भी थे जिन्होंने भारत की समुद्री सीमा से परे जाकर अरब सागर में अभ्यास किया। साफ है चीन की चालाकी पर हिंदुस्तान ने होशियारी से जवाब दिया है। हिंदुस्तान के पास नेवी के पास इतनी शक्ति है कि वो कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। और अगर उसने कुछ भी LAC के ऊपर गड़बड़ी की तो हिंदुस्तान उसका सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को काट देगा और उसका जो 50-55% ट्रेड होता है, खास करके 80-85% उसका जो ऑयल और गैस आता है मिडल ईस्ट से, उसको हर प्रकार से बंद कर सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था और इस पर MiG-29 फाइटर जेट्स के अलावा कामोवा, चेतक, चीता और स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स ALH की तैनाती होती है। आईएनएस विक्रांत को पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया था। इसी साल इस पर MiG-29 और स्वदेशी फाइटर जेट LCA की लैंडिंग और टेक ऑफ की शुरुआत की गई है। पिछले हफ्ते ही आईएनएस विक्रांत पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर रोमियो की रात में लैंडिंग भी कराई गई। आपको ये भी बता दें कि कुछ और परीक्षणों के बाद आईएनएस विक्रांत सभी किस्म की उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 45,000 टन के आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के अलावा स्वदेशी LCA की तैनाती की जा सकती है। भारतीय नौसेना के पास मौजूदा सभी हेलीकॉप्टर्स को इस पर तैनात किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज की है RMC में, जिसमें विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों जो हिंदुस्तान के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक रशिया वाला और एक इंडिजिनस, ये दोनों शामिल हुए। कई सबमरीन शामिल थे, कई जंगी जहाज और नेवी के लगभग 35-37 हवाई जहाज। इसके अलावा लैंड बेस्ड हवाई जहाज जो है SU-30 ने 8 घंटे लगातार एरियल रिफ्यूलिंग के माध्यम से RMC के अंदर कई टारगेट्स को प्रिसिशन अटैक किया। भारतीय नौसेना के सामने चीन की नौसेना की बड़ी चुनौती है। चीन की नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिए हैं और 2 अगले 4 सालों में शामिल हो जाएंगे। चीन अपने नौसेना में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है। भारतीय नौसेना भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तेजी से तैयार हो रही है और खुद को आधुनिक बना रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी दौरे पर होंगे, लेकिन उससे पहले चीन के दादागिरी को कुचलने के लिए खास चर्चा भी होगी।
जाहिर है इस तरह के अभ्यास चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भी जरूरी है। कृष्णमोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।